नगर निगम सुपरवाइजर सफाई श्रमिक संघ का चुनाव शनिवार को संघ भवन में आयोजित हुआ। समन्वय समिति के संरक्षक व चुनाव अधिकारी रविंद्र कुमार की देखरेख में संपन्न हुए चुनाव में विनोद कुमार श्रीवास्तव को संरक्षक चुना गया। इस दौरान सर्वसम्मति से राम प्रकाश सिंह को अध्यक्ष एवं राजेश कुमार को महामंत्री चुना गया। इसके अलावा सुधीर कुमार को उपाध्यक्ष, छेदी लाल को संयुक्त मंत्री, विंध्याचल को संगठन मंत्री, बेचन गुप्ता को कोषाध्यक्ष, शिवचरण को कार्यालय मंत्री चुना गया। कार्यकारी सदस्यों में गौरीशंकर आलम, रामाशीष, विश्वजीत श्रीवास्तव, कमरुद्दीन मकबूल, सीमा व तारा निर्विरोध निर्वाचित हुई। नव निर्वाचित पदाधिकारियों के साथ फोटो खिंचवाकर महापौर सीताराम जायसवाल ने नव निर्वाचित कार्यकारियों को शुभकामना दी। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए चुनाव अधिकारी रविंद्र कुमार और नव निर्वाचित अध्यक्ष राम प्रकाश सिंह ने कहा, कोषाध्यक्ष बेचन गुप्ता जी, मैं इन कर्मचारियों के तरफ से माल्यार्पण कर स्वागत करते हैं। रविंद्र कुमार समन्वय समिति के हम संरक्षक हैं, रविंद्र कुमार सिंह। ये सफाई सुपरवाइजर श्रमिक संघ का चुनाव आज संपन्न हुआ है। इसमें विधान के अनुसार 15 कार्यकारी सदस्य चुने गए, उसके बाद से उसमें से 8 कार्यकारी सदस्य रह गए और 7 पदाधिकारी चुने गए, जिसमें सर्वसम्मत से राम प्रकाश सिंह जी अध्यक्ष चुने गए और जो है संरक्षक के रूप में विनोद श्रीवास्तव जी चुने गए और महामंत्री राजेश श्रीवास्तव जी चुने गए। और सकुशल संपन्न हुआ चुनाव, सर्वसम्मत से चुनाव हुआ, हाथ उठा करके चुनाव हुआ, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। एक नाम पे जरूर थोड़ा सा आपत्ति हुई थी, लेकिन वो हाथ उठवा करके जिस नाम विंध्याचल के नाम का समर्थन सभी लोगों ने किया और विंध्याचल को जो है संयुक्त मंत्री चुना गया। अभी तक हमारी जो प्राथमिकताएं थीं, मैंने अपने अध्यक्षीय काल में अपने नगर निगम के लगभग 320 दैनिक वेतन कर्मचारियों को मैंने दैनिक पारिश्रमिक बढ़ाने का कार्य किया था, 120 से 250 रुपया कराया था। और उसके बाद 320 कर्मचारियों को मैंने 2016-17 में मैंने नियमित कराने का काम किया था, जो पूरे प्रदेश में इतिहास है कि मैंने एक ही दिन में 320 कर्मचारियों को मैंने ज्वाइनिंग लेटर दिलवाया था। ये हमारी प्राथमिकताएं थी। और इधर विगत साल भर से तो कोरोना चल रहा है, इसलिए कोई उनकी प्राथमिकताएं हमारी पूरी नहीं हो पाई हैं। 2021-22 में सफाई कर्मचारी कल्याण कोष का गठन करना मेरी मुख्य प्राथमिकता है, जिससे हमारी सफाई कर्मचारियों की तमाम दिक्कतें होती हैं उस कल्याण कोष के माध्यम से उनको सहयोग दे पाऊँ, यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। अक्सर देखा जाता है सफाई के सुपरवाइजर जाते हैं वार्डों में अपने क्षेत्र में, वहाँ पे काफ़ी दिक्कतें उनको उठानी पड़ती हैं, उनके लिए क्या करना है? उनकी भी हमारी प्राथमिकता है। मैंने अभी आम सभा में बताया है कि हमारे फील्ड में जो भी हमारे सफाई कर्मचारी और सफाई सुपरवाइजर काम करते हैं उनके साथ तमाम दिक्कतें होती हैं, जिसको हमारे कार्यालय तक मुझ तक नहीं आ पाती है। अब आपको यह मैसेज देना है कि अगर आपके साथ कोई घटना घटती है या कोई दिक्कत आती है, अपने संगठन को अवगत कराएंगे और हम उस पर अपना एक्शन लेंगे। जो भी हमको लीगल कार्रवाई होगी, जो भी हमारी उसके प्रति जो हमारी जिम्मेदारी होगी, उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम? राम प्रकाश सिंह, अध्यक्ष नगर निगम सुपरवाइजर सफाई श्रमिक संघ। आज हमारा ये जो चुनाव हुआ है, क्योंकि आने वाले दिनों में समन्वय समिति का चुनाव होना है, उसी क्रम में अभी जलकल इम्प्लाई यूनियन का चुनाव समाप्त हुआ है, कल नगर निगम निर्माण कर्मचारी संघ जो मुझसे संबद्ध है उसका चुनाव संपन्न हुआ है, आज उसकी इस कड़ी में हमारे नगर निगम सुपरवाइजर सफाई श्रमिक का चुनाव संपन्न हुआ है। आने वाले दिनों में 2 संगठन और हैं, उनका भी चुनाव संपन्न हो जाएगा। हम 15 अप्रैल तक समन्वय समिति की पुनः नई कार्यकारिणी का गठन करेंगे, जो 2 वर्ष तक कार्य करेगी।